नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे एस्काबियोल एमल्सन। साथियों, एस्काबियोल एमल्सन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू यूज एस्काबियोल एमल्सन एंड हाउ टू वर्क। साथ ही साथ सर कंपोजिशन की बात करेंगे, डोजेस, डायरेक्शन फॉर यूज, वार्निंग एंड इंट्रक्शन एमआरपी की बात करेंगे। साथियों, एस्काबियोल एमल्सन इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसन। साथियों, अभी कंपोजिशन में चल के हम बताएंगे, कॉम्बिनेशन मेडिसन है दैट यूज टू ट्रीट स्कैबिस। स्कैबिस में इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। साथियों, स्कैबिस क्या होता है, इसके बारे में हम संक्षिप्त में बताएंगे। इट किल्स द टिनी इंसेक्ट माइट्स एंड देयर एग्स, इट आल्सो किल्स हेड लाइस। कहने का मतलब है स्कैबिस में इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि जो सिर में जुए हो जाते हैं उसमें भी उपयोग में लाई जाने वाली ये इमल्सन है। साथियों, स्कैबिस क्या होता है, स्कैबिस साथियों क्या होता है कि टिनी इंसेक्ट, 6 से 8 पैर वाले बहुत छोटे छोटे माइट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो शरीर में क्या होता है कि मतलब इंसर्ट कर जाते हैं, मतलब होल ऐसा बना के, और जो है उसमें क्या होता है कि अपने अंडे बच्चे देते हैं और उसके अंदर क्या होता है काटते हैं, तो रैसेस जो हो जाते हैं रेड रेड, तो वो उन्हीं के जो है घर ऐसे होते हैं, उनको क्या करता है साथियों, ये किल कर देता है। और वो जो सुस्त हो जाते हैं, जो भी जिनको भी होता है, जो भी पेशेंट होते हैं, वो जब नहाते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो उनको ये किल करने का काम करता है। तो इसका इस्तेमाल स्कैबिस में होता है, और लाइस जो सिर में जुए हो जाते हैं जिनको भी, तो उसमें लगाते हैं, और जुए जो है क्या होता है कि जैसे ही कंघी से खींचते हैं या नहाते हैं उसके बाद वो जो है नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। साथियों, एस्काबियोल एमल्सन एक एबॉट हेल्थ केयर लिमिटेड बहुत बढ़िया कंपनी है, उसका ये लोशन है 50 ml का लोशन है, 65 rupees 68 paisa इसकी MRP है 50 ml। साथियों, इस सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही फेमस ब्रांड है। साथियों, यूजेस की बात करेंगे, जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया कि साथियों इसका इस्तेमाल स्कैबिस में होता है। अब स्कैबिस क्या है एक बार मैंने बताया, संक्षिप्त में एक और बताएंगे साथियों। ये साथियों क्या होता है, टिनी इंसेक्ट होते हैं, माइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं शरीर में जो है होल ऐसे बना लेते हैं जिसको हम रैसेस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये अंडे और बच्चे देते हैं, और उसमें जो है क्या होता है उसकी वजह से जो है इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको स्कैबिस कहते हैं। और ये जो है इसका भी लोशन उनको जो है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट और किल करने का काम करता है, और उससे क्या होता है शरीर में स्किन को इरिटेट करते हैं, वो बंद हो जाता है। एस्काबियोल एमल्सन किल्स द माइट्स एंड देयर एग्स, जैसा कि अभी हमने बताया साथियों। साथ ही साथ इसका जो इस्तेमाल होता है, हिडन यूजेस भी बताऊंगा साथियों। एक तो हेड लाइस में होता है, दूसरा साथियों ट्रीट द वुंड्स, जैसे घाव हो जाते हैं घाव में भी लगाया जाता है, और बहुत माइनर अगर कट हो जाता है कहीं पे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, सनबर्न अगर हो जाता है किसी को, मतलब स्मॉल एरिया में, बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसमें लगा देंगे तुरंत सनबर्न ठीक हो जाता है। एंड पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस साथियों मतलब बीमारी होती है जिसमें कि क्या होता है शरीर में रेडनेस हो जाती है, रैसेस पड़ जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि एक तरह से जो है टिनी इंसेक्ट होते हैं वो उसमें जो है इंसर्ट करके, और जो है क्या होता है कि स्किन जब डिसकम्फर्ट होने लगती है तो जो है पेडिकुलोसिस जो हो जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथियों, इसको इस्तेमाल करने से क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे किसी किसी को जो है नहीं सूट करता है तो एप्लीकेशन साइट रिएक्शन हो जाता है, जैसे बर्निंग, इरिटेशन होने लगता है, रेडनेस हो जाती है और ड्राई स्किन हो जाती है। अगर ऐसा किसी को होता है या इससे थोड़ा सा सीवियर साइड इफेक्ट आते हैं तो तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें और अपने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। साथियों, हाउ टू यूज एस्काबियोल एमल्सन। साथियों, जहाँ पे भी स्किन में विकार है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, या शरीर में अगर पूरे है तो इसको जो है पूरे शरीर में जो है लोशन है हाथ पे लगा के, और इसको जो है लगाना है आँख और नाक और मुंह के अंदर, इसको नहीं जाने देना है। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम इसके मतलब हाथ धुलने हैं, या फिर एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। साथियों, ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एस्काबियोल एमल्सन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसन। साथियों, जैसा कि कंपोजिशन भी बता दे रहे हैं, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसके अंदर मिला है कंपोजिशन, जब भी परचेज करेंगे इसकी बोतल पे लिखा है 1% वेट बाय वॉल्यूम मिला है। साथ ही साथ इसमें सिट्रीमाइड मिला है,
0.1% वेट बाई वॉल्यूम मिला है एंड एमल्सन बेस इसमें क्वांटिटी सफिशेंट मिला है। तो साथियों ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, दो चीज़ें मिली हैं जैसा कि बताया है, लिंडेन एंड सिट्रीमाइड। और ये क्या करता है, इट वर्क्स टू किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट काज स्कैबीज, जिसमें हमने बताया कि टिनी इंसेक्ट जो 6 से 8 पैर वाले होते हैं उनको जो है किल कर देता है और उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है या फिर उनको क्या करता है कि पैरालाइज कर देता है, तो जो है उससे इन्फेक्शन दूर हो जाता है। साथियों ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे साथियों, तो सबसे पहले बताएंगे दिस इज एक्सटर्नल यूज ओनली, इसको किसी तरह से पीना नहीं है, यह बच्चों की पहुँच से दूर करना है रखना है साथियों। और जब भी इसको लगाएं उसको क्या है, वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर, और इसको डू नॉट स्वॉलो नहीं करना है, और साथ ही साथ इसको आई में टच नहीं होने देना है, और साथियों अफेक्टेड एरिया पे इसको जो है इस्तेमाल करना है। साथियों ये तो डोजेज एंड डायरेक्शन की बात हो गई है सफिशेंट क्वांटिटी में। वार्निंग की बात करेंगे, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे जो है क्या होता है ड्राउजीनेस और सुस्ती आ जाती है शरीर में। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ना इसको इस्तेमाल करें क्योंकि बच्चों में जो है ये मिल्क के जरिए जाने के चांस रहते हैं, क्योंकि स्किन से जो है क्या होता है कि मतलब एब्जॉर्ब करती है। एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट विद माउथ और आइज। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे, तो जब भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, अगर कोई दवा पहले से चल रही है या कोई बीमारी है तो तुरंत बता दें ताकि डॉक्टर अपने विवेक से इसको है दवाई लिख सके। साथियों एमीट्रिप्टिलीन अगर दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से चल रही है तो उसके साथ इसके इंट्रेक्शन होने के चांस है, या एंटीबायोटिक अगर कोई खा रहे हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या ओफ्लॉक्सासिन है तो उसके साथ इसको नहीं इस्तेमाल करना है। और सीजर्स डिजास्टर, कहने का मतलब झटके आ रहे हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।